नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की मथुरा में छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 का अर्थदंड। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 30,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल DGC पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 9 अगस्त 2018 को समय करीब 9 बजे वह उसकी पत्नी अपने घर से मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला पप्पू टेलर मौका पाकर प्रार्थी के घर के अंदर घुस आया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। घर के अंदर प्रार्थी की पुत्री को जबरन बलात्कार करने की नीयत से पकड़ लिया और उसके गुप्तांगों पर हाथ फेरते हुए अश्लील हरकत की तथा उसके साथ छिड़खानी की। उसकी बुरी तरह से लड़की डर गई, डर के कारण उसकी चीख निकल गई। शोर पर आस पड़ोस के बहुत से लोग आ गए और दरवाज़ा खुलवाने के लिए शोर मचाया तो पप्पू टेलर दरवाज़ा खुलकर भाग गया। बाबा उसकी पत्नी जब घर आए तो पुत्री ने रोते हुए सारी घटना बताई। पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में पप्पू टेलर के विरुद्ध तहरीर दी, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जातून की रिपोर्ट। ये थाना हाईवे पड़ता है, जिसके अंतर्गत ये घटना है। ये दिनांक 9/8/18 की है, दिन के 9 बजे की घटना है। ये पीड़िता की माँ और पीड़िता के पिताजी जो कि मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे, पीड़िता घर में अकेली थी। पड़ोस का रहने वाला ये पप्पू टेलर है जो कि मौका देकर पीड़िता के घर में घुस गया और पीड़िता को अकेला पाकर पकड़ लिया। पीड़िता को उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ में अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता ने अपने आप को बचाकर और झीले की तरफ भागी है, वहाँ जाकर शोर मचाया तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को घटना देखते हुए ये मौके से भाग गया है। आज हमारे माननीय जज साहब श्री नितिन कुमार जी ने पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत और 452 के अंतर्गत इसको 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें 30,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा।